बनारस आने वाले सैलानियों को बनारस आने के बाद गंगा घाटों पे घूमने के साथ ही नावों की सैर करने का भी बेहद मन होता। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस में यहाँ दर्शन पूजन के साथ नावों पर घूमना और गंगा की गोद में जाकर तस्वीरें खिंचवाना हर पर्यटक चाहता है, लेकिन कई बार उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और नाविकों की मनमानी की वजह से और उनके बेवजह जो पैसे की डिमांड है उसके कारण पर्यटक परेशान हो जाते हैं और कई बार तो उन्हें नावें मिलती भी नहीं हैं क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा मांगे जाते हैं। लेकिन अब इन सब परेशानियों का हल वाराणसी नगर निगम ने निकाला है और पहली बार एक ऐसा ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है जो पर्यटकों की बड़ी मदद करेगा। हैप्पी नाविक सवारी ऐप के जरिए पर्यटक नावों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे और इस बुकिंग के साथ ही पर्यटक अब नावों की सवारी रीजनेबल नगर निगम के द्वारा निर्धारित किए गए दर पर कर पाएंगे। नगर निगम देखिए, नाव को लेकर कई बार वार्ता की गई नाविकों के साथ, वो जो किसी रेट पर निर्धारण में तैयार नहीं हुए। डीएम साहब ने भी की, हम लोगों ने भी की, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने एक सुझाव दिया, एक रेट तय किया है, रेट बोर्ड भी लगाया जाए उसके, और साथ ही एक ऐप लॉन्च किया है नावी करके। तो उसके तहत आम जनमानस जो लोग हैं वो क्या कहते हैं उसको बुकिंग कर सकते हैं ओला की तरह। जैसे किसी घाट पे आना है तो उसका रेट आ जाएगा, कितना लगेगा उसका एक जगह से दूसरे घाट तक, और वो वहाँ पे पहुँच भी जाएगा। और उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जैसे कि ख़राब मौसम है या ओवर कैपेसिटी है तो वो पहले इंडिकेट कर देगा हमको कि ये समय खतरनाक है, समय ना जाए, ये समय ज़्यादा मौसम ख़राब है ना जाए, ये सब चीज़ें फीचर्स भी हैं। तो सर जो रेट निर्धारण हुआ सर वो कैसे लोगों को पता चलेगा कि इतना ही रेट है, जेन्युइन रेट? देखिए, अभी हमने प्रस्तावित है जो नाविकों के साथ बैठक करके एक रेट तय किया, मिनिमम जो बन रहा था वो रेट तय किया, तो काफ़ी हद तक लोग सहमत भी है उसमें, एक आध लोगों को छोड़ के। तो ये हुआ कि उनसे पब्लिक ओपिनियन भी ले ली जाए, इसलिए हम लोगों ने प्रकाशन भी किया, अच्छी फीडबैक मिली है। उम्मीद है कि वही रेट लगभग तय हो जाएगा जो हम लोगों ने छपवाया। मतलब अब घर अब आने से पहले ही नाव की बुकिंग कर सकते हैं? हाँ, बुकिंग कर सकते हैं। अब वो टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो रेट वेरी कर सकते हैं सुबह और शाम या त्यौहार के टाइम पे, लगभग एक समान ही एवरेज रहेगा। वाराणसी कैमरा मैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।